इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। क्या है, मैं तो समझ नहीं पाता, मैं तो मीडियम पढ़ता हूँ या आप लोग देते हो टीवी में, सुनता हूँ, ये होती क्या है, ये मेरी समझ के परे है। मेरी समझ के परे है। मेरे पास तो आते जो आते हैं अपने लेके अपने गांव के, या कोई लोग शिकायत करके आते हैं, वो भी ये कहते हैं हमें एक नियुक्ति दे दो, हम बहुत लंबे से काम कर रहे हैं। ये नियुक्ति मेरे समझ के परे है। सर, एरिया में 500 लैंड फॉर लैंड के मामले अटके हैं, और ये राजनीतिक नियुक्तियाँ जो है ये कोई राजनीति नहीं होती है, ये बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, कमेटी होती है डिस्ट्रिक्टों के अंदर, गांव में होती है, ब्लॉक में होती है, वहाँ जो जिला कांग्रेस कमेटी हैं, MLAs हैं, उम्मीदवार हारे हुए जीते हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। ये पहली बार होगा देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहाँ हमने अधिकार दे दिया प्रभारी मंत्री को, वो वहाँ जिले में जाए, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, या उम्मीदवार बने थे MP के, MLA के, हार गए जीत गए, उन सबसे बात करके जो कार्यकर्ताओं ने काम अच्छे किए हैं उनको इकट्ठा कर ले, और विभिन्न कमेटी हैं, कोई जिले में है, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में है, ब्लॉक में SDO की अध्यक्षता में है, पुलिस स्टेशन पे होती है, पुलिस स्टेशन में कमेटी होती है, जेल की कमेटी होती है, पंचायत कमेटी होती है, उसमें सबको एडजस्ट कर लें, पर ये काम है। और कुछ थोड़े बोर्ड होते हैं थोड़ा बहुत स्टेट लेवल के, उसमें जो काम जिसने किया आज तक वो हमारे प्रभारी महामंत्री को मालूम है, PCG को मालूम है, हम सबको मालूम है, तो कुछ नियुक्तियों हो जाती है, बस ये है। अब उसको बार बार मीडिया में नियुक्तियाँ कर करके ऐसा कर दिया कि और लोगों की भावना बढ़ गई, ये कोई नियुक्ति होती होगी, मेरा कोई अपॉइंटमेंट होता होगा नौकरी का, तो कई लोग आके कहने लगे थे हमें आप ये नियुक्ति दे दीजिए, तो ये गलत फहमी पैदा हो गई। तो मेरा मानना कि ये कोई इस बार AICC ने, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सबने कहा भी जो कार्यकर्ता हैं उनको पूछ करके बनाओ, और पहली बार हमारे मंत्रियों को या जो प्रभारी हैं PCC के उनका भी आप नाम इकट्ठे करो। तो वो काम मेरे ख्याल चल रहा, 31 नवंबर तक हो जाएगा, बाद में भी नवीनाथ पांडे जी हैं और वो सेक्रेटरीज हैं, नाम देख के मंत्री जी से और सलाह करनी होगी सलाह कर लेंगे, बन जाएगा। सर, देश में आर्थिक स्थिति को लेकर क्या? देखिए, आर्थिक स्थिति देश की बिगड़ती जा रही है, वो चिंता पूरे मुल्क को है, पर चिंता आपको हमको भी होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से जो GST के बाद में ढंग से GST लागू नहीं करी इन्होंने, उसके कारण से GST की रेवेन्यू कम हो गई है, पर केंद्र सरकार की रेवेन्यू कम हो गई तो वो क्या कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं सब राज्यों के अंदर, टैक्स का हिस्सा मिलता है उसमें कटौती हो रही है, और ग्रांटेड एड मिलती है राज्यों को उसमें कटौती हो रही है, बड़ी कटौती हो रही है, राजस्थान में करीब 7,000 करोड़ रुपये कटौती हो गई है। तो ये जो कटौती हो रही है उससे केंद्र सरकार भी और राज्य भी बहुत संकट में आ रहे हैं, समय रहते हुए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए, पर अभी वो अहम गमन में चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, कारें में घूम रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, वही बता रहे हैं कहाँ मंदी है, ये उनकी सोच है, हमारी सोच है कि अर्थव्यवस्था ही तहस नहस हो रही है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, और तो जो हमारी वो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके पतिदेव कह रहे हैं कि ये सरकार को समझ ही नहीं है अर्थव्यवस्था की, नंबर एक। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया है, और नंबर तीन, जो नरसिम्हा राव जी के वक्त में नीति बनी थी, मनमोहन सिंह जी ने बनाई थी, उस पर सरकार को चलना चाहिए, बचाना देश को, तो इससे भी कोई क्या कहेगा। पर ये आप मीडिया वाले दबाव में हो, आपके मालिक लोग, आपके एडिटर, आपको छोड़ कर, आप जितने लोग हो ना उनको छोड़ कर, आपको नौकरी करनी है, आप इतने भय गए हमें नौकरी निकालने देखो, नेता का फ़ोन चला जाएगा, ये कॉपरेट नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेगी, इतने डर आपको, तो डर है मालिकों को, एडिटर को, राघव बैल क्या छापा पड़ गया, NDTV वाले वो हमारे
प्रणव राय जी उनके छापा डाल दिया है, रविश कुमार ने छापा पड़ना बाकी है, अभी कई लोग बाकी हैं, तो हम जैसे कई लोग बाकी है अभी छापा पड़ना। पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर आपने एक अपील की थी, बड़ी विकट समस्या देश में खड़ी हो रखी है, किस तरह से पर्यावरण को संरक्षण किया जाएगा, प्रदूषण को कम? पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप कितना ही कर लो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती। हर इंसान के भाव होने चाहिए, मैं कचरा बाहर नहीं फेंकूँ, मैं सफाई रखूँ घर के अंदर, घर के बाहर भी, तब जाके सफाई होगी, स्वच्छ भारत बनेगा। बाकी कोई पैसे खर्च करने से नहीं बनने वाला है, नगर निगम हो चाहे वो UIT हो कुछ भी हो, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर जनता को दबाव बनाए रखें, जनता खुद आगे आए, तब जाके ये जैसे पूरे मुल्कों के देखते, दुनिया के मुल्कों में एक सड़क पर एक क्या कहते हैं पेपर का टुकड़ा नहीं मिलता है, तो ये भावना गर्व करने वाली होनी चाहिए, तब जाके होगा। बताओ भाई बोल भैया, सर आज जो बाल संगम कार्यक्रम हुआ बच्चों ने जो प्रतिभा दिखाई है, पीछे अपने वहाँ से अपील भी की कि समाज को बच्चों में जागरूक होना चाहिए, आपको लग रहा है कि ऐसे बच्चों में कलेक्टिव एफर्ट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होनी चाहिए, सरकार को कभी नहीं, तो किस तरह सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे आ सकती है? NGO आगे आते हैं, NGO अच्छा काम करते हैं, राजस्थान में NGO अच्छा काम करते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है, उनको आगे आके मार्गदर्शन करना चाहिए बच्चों का, बच्चों में प्रतिभा बहुत होती है, खाली उनको बच्चों की प्रतिभाओं को खोज करने की आवश्यकता होती है, तराशने की आवश्यकता होती है और मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है, ये काम समाज का होना चाहिए, वो करेगा तो बदलाव ला सकते हैं, बदलाव की आवश्यकता है देश के अंदर। मिलावट तो आप बताओ कि कितनी खतरनाक बीमारी है, कि टके टके मावा बन के आता दूध का, बताइए आप, ऐसे लोगों को तो फांसी सजा होनी चाहिए। मिलावट किसे कहते हैं, तो दवाई में हो चाहे वो खाने पीने की चीज़ें में हो, ये तो पूरा पहले हमने चलाए थे युद्ध के शुद्ध के लिए युद्ध चलाया था, और वो तो टेम्परेचर चल के बंद हो जाता फिर शुरू रहता है, तो कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा इनका, हम तो सोचेंगे क्या कर सकते हैं। स्वस्थ राजस्थान की कल्पना को लेकर राइट टू हेल्थ भी आप ये भारत सरकार को चाहिए कि राइट टू हेल्थ का एक्ट बनाया है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी जी ने बनाया है, RTE लेके आए, RTI लेके आए, फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, सब कानून बना के लाए गए हैं, उसी ढंग से राइट टू हेल्थ होना चाहिए, कम से कम हेल्थ का अधिकार सबको है। कल चुनाव के नतीजे आने वाले निकालेंगे, 49 बॉडीज में इलेक्शन, किस तरह के परिणाम की अपेक्षा? चुनाव नगर निकाय को होते हैं तो निर्भर करता है उम्मीदवार कौन खड़ा हुआ है, कौन कौन काम करता है पहले से, कौन काम करने की संभावना है, जो टिकट मिला है वो आदमी कितना काम करके दिखाएगा, अगर ये एसेसमेंट जनता करती है, लोकल बड़े चुनाव में ज़्यादा ही होता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा सरकार हमारी है तो कुछ काम हो जाएंगे, बाकी ज़्यादातर इंडिविजुअल जो पार्षद बनता है वो कैसे हमारी सेवा करेगा आने वाले वक्त में, बहुत निर्भर करता है।